अखिलेश यादव कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है, जिसका जल्द ऐलान हो सकता है। वहीं अखिलेश ने ऐलान किया है कि वो चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस जयंत चौधरी और शिवपाल से नजदीकियां बढ़ा रही है, जिसे लेकर अखिलेश यादव भी सतर्क हो गए हैं। दरअसल बीते दिनों यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे, तो अखिलेश यादव भी चौकन्ने हो गए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से वोटर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जब कांग्रेस ने आरएलडी और शिवपाल से गठबंधन करने का प्रयास किया तो अखिलेश ने उसका खंडन करवा दिया। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा की सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसका ऐलान 21 नवंबर को लखनऊ में दोनों पार्टी के प्रमुख नेता एक साथ आकर कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी क्षेत्र की 32 के करीब सीट सपा दे सकती है। ये वो सीट है जिन पर आरएलडी का बड़ा असर माना जाता है। वहीं अखिलेश ने चाचा शिवपाल को भी गठबंधन के संकेत देकर दिवाली गिफ्ट दिया है, साथ ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं के सामने घोषणा की जाएगी। सूबे में भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन के सवाल पर अखिलेश बोले कि सपा लगातार क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के प्रयास कर रही है। कई दल सपा के साथ आए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। चाचा शिवपाल सिंह यादव के दल को भी अपने साथ लाने का काम करेंगे। राजनीतिकारों का कहना है कि अखिलेश यादव लगातार यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में खुद दौरा कर रहे हैं। अखिलेश ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांग्रेस ज्यादा सक्रिय होगी तो उनका वोट छिटक सकता है, इसलिए वो समय रहते सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दे रहे हैं।